हाय वेलकम टू ऑल, आप सभी का मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि गोवा में कैसीनो कब खुलेगा या खुल गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोवा कैसीनो में उनकी टोटल कैपेसिटी से 50% लोग ही अलाउ किए जाएंगे और कोविड के चलते बच्चों को ले जाने के लिए मना किया गया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी एंट्री फीस में कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट मैंने कॉल करके कंफर्म किया क्योंकि सारे कैसीनो अभी क्लोज हैं। अगर आपको कैसीनो की एंट्री फीस जानना है तो मेरे चैनल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैंने एंट्री फीस का अलग से वीडियो बनाया है। डेल्टिन जैक, डेल्टिन रॉयल, ये सभी कैसीनो 2 दिन बाद खुलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 तारीख से परमिशन दे दी थी। लेकिन कैसीनो के सारे एम्प्लॉय छुट्टी पर होने के कारण ऑपरेशनल करने में थोड़ा समय लग रहा है। और मैंने आज मीन्स 1 नवंबर की शाम को बात किया तो उन्होंने ये बोला 3 तारीख को ओपन हो सकता है, अदरवाइज 4 नवंबर को कन्फर्म ओपन हो जाएगा। बिग डैडी कैसीनो के अभी ऑपरेशनल होने में 1 वीक का समय लग सकता है। जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त जो कि वहां पर एम्प्लॉय है उससे पूछा। मैं कैसीनो प्राइड को भी देखा, वो भी बंद था और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, तो कैसीनो प्राइड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि 1 वीक का समय तो लगेगा। गोवा की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।